आज ही CAPF AC Mentors को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो नमस्ते टू ऑल, यू आर वाचिंग CAPF AC Mentors एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस थर्ड एंड फोर्थ सेशन ऑफ करंट अफेयर्स पाठशाला। थर्ड एंड फोर्थ हम साथ में कंडक्ट करा रहे हैं ये वाला जो सेशन है, बिकॉज थोड़ा सा डिले हो गया, बट नो नीड टू वरी एट ऑल, बिकॉज हम इसको नवंबर तक कंप्लीट कर देंगे। और इसमें केवल वही क्वेश्चंस और वही करंट अफेयर्स इसमें आने वाले हैं इस इनिशिएटिव में, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं CAPF और CDS में आ सकते हैं। सो विल कवर द करंट अफेयर्स फ्रॉम मई टू अक्टूबर। अगर आपने अभी तक पहले दो सेशन नहीं देखे हैं तो डू वॉच देम फर्स्ट, सो दैट एक फ्लो बन जाए। उसमें हमने 15th मई तक का सब कंप्लीट करा दिया है और ये थर्ड एंड फोर्थ सेशन कवर करेगा 15th मई से 31st मई तक का। इसका मतलब आपका मई पूरा कवर हो जाएगा इन चार सेशंस में। इस वीडियो में हम दो सेशन साथ में ले रहे हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया, और जून में हम ट्राई करेंगे कि एक सेशन में हम 15 दिन कवर करें, जिससे कि हम दो सेशन में एक मंथ कवर कर पाएंगे। और कमेंट्स में हमें बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि और भी क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स इंक्लूड किया जाए, बट ट्रस्ट मी गाइस, आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और हमने केवल उन्हीं करंट अफेयर्स को पिक किया है, आई मीन दीज करंट अफेयर्स आर हैंड पिक्ड, कि इन्हीं में से 90% आपके करंट अफेयर्स आने वाले हैं और आपको वो लेंदी करंट अफेयर्स मैगजीन को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम भी सेव होगा, साथ में जो बचा हुआ टाइम है वो आप दे पाएंगे स्टैटिक पोर्शन में। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव अहेड और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होगा और आपको कमेंट्स में आंसर करना है। इस बार हमने टाइम रिड्यूस कर दिया है टू 10 seconds, सो लेट्स स्टार्ट आर सेशन फॉर करंट अफेयर्स पाठशाला। गाइस, क्वेश्चन 1, गोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली, इट एम्स टू सपोर्ट ऑप्शन ए MSMEs, ऑप्शन बी ट्राइबल यूथ, ऑप्शन सी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और सेक्टर, ऑप्शन डी सीनियर सिटीजन्स। अभी गोल प्रोग्राम लॉन्च किया था एक मिनिस्ट्री ने, वो क्या एम करता है, उसका मेन मोटो क्या है? आई होप आपने सुना होगा, ये मई में बहुत न्यूज में था। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम अप। गोल प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था, एक्चुअली ये लॉन्च किया गया है ट्राइबल यूथ के लिए। द करेक्ट आंसर इज ट्राइबल यूथ, एंड ट्राइबल यूथ को के स्किल डेवलपमेंट, साथ ही उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में सपोर्ट करने के लिए, कि इनको कैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाया जाए सपोर्ट करके, ये प्रोग्राम लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मई मंथ में। फाइन, आपको याद रखना है गोल प्रोग्राम इज रिलेटेड टू ट्राइबल यूथ। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज हैंको और हंको, दैट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, ये मई में न्यूज़ में था। हांको क्या है, ये कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी, इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इफ़ यू आर विलिंग टू गो फर्दर। द ऑप्शन आर स्टैम्प्स यूज इन जापान, फेस्टिवल ऑफ कोरिया, इरीगेशन सिस्टम ऑफ चाइना, और डी ट्राइब ऑफ ताइवान। द टाइम स्टार्ट नाउ। सो गाइस, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और अच्छे से आप सब प्रिपेयर कर रहे होंगे। एग्जाम के बहुत कम टाइम बचा है, तो होपफुली आप करंट अफेयर्स बिल्कुल हम पे छोड़ सकते हैं, नो इश्यूज। थोड़ा सा डिले हो गया बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो टाइम अप। ये जो एक हांको है ये न्यूज़ में था, एक्चुअल में ये एक स्टाम्प है जो जैपनीज ट्रेडिशन में बहुत यूज़ होता है, लोगों का इंडिविजुअल स्टैम्प होता है, और इस पे कंट्रोवर्सी हुई थी अभी रिसेंटली। तो आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या कंट्रोवर्सी थी, और थोड़ा सा इसके बारे में देख सकते हैं। बट CAPF के लिए इतना ही बहुत है कि ये एक्चुअल में है क्या, बिकॉज ये मई में बहुत न्यूज़ में था। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 3, द थीम ऑफ वर्ल्ड बीज डे 2020 वॉज, थीम्स बहुत पूछता है UPSC CAPF और CDS में पर्टिकुलरली। तो आपके ऑप्शन हैं बीज एंड आर फ्यूचर, बीज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सेव द बीज, क्लाइमेट चेंज विद बीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। UPSC कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन पुट करता है कि आपको अब पता ही होना चाहिए, एंड यस मैं इसको रट्टा ही बोलूंगा, बिकॉज करेक्ट आंसर पता होने के लिए आप इसमें गेस नहीं कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सेव द बीज। ये थीम थी वर्ल्ड बीज डे की इस साल की। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4,
Which nation has recently announced to withdraw from Open Sky Treaty? इस क्वेश्चन के बाद मैं Open Sky Treaty क्या है वो भी बताऊंगा और क्यों ये डिसीजन लिया गया, एक कंट्री ने क्यों डिसीजन लिया कि वो Open Sky Treaty को से विड्रॉ करेगी. ऑप्शंस आर जापान, USA, सी रशिया और डी चाइना. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं और बाद में आपको PPT तो प्रोवाइड की जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो टाइम अप. द करेक्ट आंसर इज, जैसा आप सब देख सकते हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो USA इज़ द आंसर. एंड ये ट्रीटी क्या बोलती है, ट्रीटी ये बोलती है कि जो पार्टनरिंग कंट्री हैं, इसमें 37 कंट्रीज हैं जो ओपन स्काई ट्रीटी को जिन्होंने रेटिफाई किया है, और ये पार्टनरिंग कंट्रीज़ किसी भी जो पार्टनरिंग कंट्री है उनके ऊपर से आप मिलिट्री फ्लाइट्स पास ऑन कर सकते हैं, और एक बार एक ट्रस्ट बिल्डअप के लिए आप वहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं कि आप कुछ एडिशनल नहीं कर रहे हैं, मिलिट्री की जो प्रेजेंस है वो बढ़ा नहीं रहे हैं. ठीक है, ये मेनली लगता है हमको ये है कि सिविलियन एविएशन से जुड़ा हुआ कुछ होगा, बट नहीं, ये मिलिट्री से रिलेटेड है कि आप आपस में किसी भी जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर से फ्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं फोटोग्राफ्स वगैरह और इमेज कैप्चर कर सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रही है उस कंट्री में मिलिट्री की. तो रशिया ने थोड़ी सी इसमें बदमाशी की थी और इसका मिसयूज़ कर रही थी एज़ पर USA एंड डोनाल्ड ट्रंप. तो USA ने डिसाइड किया कि वो विड्रॉ कर लेंगे ओपन स्काई ट्रीटी से. फाइन, तो इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा. मूविंग अहेड, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली प्रोवाइडेड, दो बार हैज़ रिसेंटली आ गया, पार्डनस, प्रोवाइडेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स फॉर अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर. ऑप्शंस आर मिजोरम, हरियाणा, नागालैंड एंड महाराष्ट्र. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एक स्टेट ने इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है स्पोर्ट्स को और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, कौन सा स्टेट है? टाइम अप. द करेक्ट आंसर इज मिजोरम. मिजोरम ने अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा. मूविंग अहेड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज चेयर्ड बाई FSDC, बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल है ये, इसको कौन चेयर करता है? ऑप्शंस आर फाइनेंस सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और कैबिनेट सेक्रेटरी. टाइम स्टार्ट्स नाउ. बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल है और ऐसी बहुत सी काउंसिल्स आपको पता होना चाहिए कौन चेयर करता है उनको, बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC किसी भी एग्जाम के लिए. टाइम अप. द करेक्ट आंसर इज, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, 22nd फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उनको चेयर कर रही हैं आर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. सो द करेक्ट आंसर इज फाइनेंस मिनिस्टर. मूविंग अहेड, सोहराई खोवर पेंटिंग रिसेंटली गॉट GI टैग, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? सोहराई कोवर एक पेंटिंग है, ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? इसे अभी रिसेंटली GI टैग मिला है. GI टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल लोकेशन बताने के लिए और उसका एक्सपोर्ट और उसकी जो एक वैल्यू है उसको एनहेंस करने के लिए. ऑप्शंस आर तेलंगाना, बिहार, असम एंड झारखंड. टाइम स्टार्ट्स नाउ. GI टैग UPSC हमेशा पूछता है, UPSC का फेवरेट टॉपिक है GI टैग, तो ये आपको बेसिक थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा कौन कौन से इस दौरान GI टैग किस किस को मिला है. द करेक्ट आंसर इज, ये वो पेंटिंग है सोहराई खोवर एंड द करेक्ट आंसर इज इट बिलोंग्स टू झारखंड. मूविंग अहेड, द थीम फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे की क्या थीम थी? प्रोटेक्टिंग यूथ एंड वर्ल्ड, से नो टू टोबैको, स्मोक फ्री अस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मई से लेकर अक्टूबर तक मुश्किल से 10 ऐसे इंपॉर्टेंट डेज होंगे जिनकी थीम्स होंगी, तो आपको याद करनी पड़ेंगी. लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था. सो द करेक्ट आंसर इज, 31st डे को मनाया जाता है, द करेक्ट आंसर इज प्रोटेक्टिंग यूथ. दिस वॉज द थीम फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे फॉर द ईयर 2020. मूविंग अहेड, अग्निप्रस्थ द मिसाइल पार्क इज बींग सेटअप इन विच इंडियन सिटी? एक मिसाइल पार्क सेटअप किया जा रहा है जिसका नाम होगा अग्निप्रस्थ, और ये किस सिटी में सेटअप किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं कोची, चेन्नई, पणजी और डी विशाखापट्टनम. एक हिंट देता हूँ कि ये इंडियन नेवी इसको एस्टेब्लिश कर रही है. टाइम स्टार्ट्स नाउ. अभी 2016-17 में एक डिफेंस पार्क के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो ऐसे क्वेश्चंस UPSC पूछता है CAPF और CDS के लिए. टाइम अप.
नाउ द करेक्ट आंसर इज विशाखापट्टनम। वहाँ फाउंडेशन स्टोन अभी लेड किया गया है, नेवी ने लेड किया है, और ये एक आइनस कलिंगा उसके बारे में ये पार्क होगा, जो आइनस कलिंगा नेवी का एक पार्ट था, आइनस कलिंगा की जो हिस्ट्री है उसके उसके उस पर बेस्ड ये पार्क होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इंडियन ऑफिसर हैज़ बीन डेकोरेटेड विद यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है और एक इंडियन ऑफिसर को मिला है ये। सो योर ऑप्शंस आर अवधेश शर्मा, सुमन गवानी, श्रुति मिश्रा, वेदिका शाह। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। द करेक्ट आंसर इज दिस इज द लेडी मेजर सुमन गवानी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CEPF एंड CDS फॉर दिस ईयर। एंड इसको आप नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, बट ये याद रखना है, और साथ में इसका PDF मिलेगा इस पूरे सेशन का, थर्ड फोर्थ सेशन है ये पूरा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगी है क्वेश्चंस की जो करंट अफेयर पुट किए हैं, सिमिलर काइंड ऑफ करंट अफेयर्स हमने पुट किया हमारे टेस्ट सीरीज़ में, तो अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज़ को ऑप्ट नहीं किया है तो डू ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज़, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की गई है टॉपर्स के थ्रू, उन्होंने डिज़ाइन किया एंड वही इवेल्युएट करेंगे इस टेस्ट सीरीज़ को। और साथ में अगर आपका स्टैटिक पोर्शन कम्प्लीट हो चुका है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू एनालाइज योरसेल्फ कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है कितनी नहीं, सो कम्पीट कीजिए ऑल इंडिया लेवल पे एंड जॉइन आर टेस्ट सीरीज एज सून एज पॉसिबल। एंड यस, लिमिटेड सीट्स आर देयर इन पेपर टू बिकॉज वी आर नॉट आउटसोर्सिंग द इवेल्युएशन पार्ट ऑफ पेपर टू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्रिपेयर वेल। जय हिंद।